हेलो दोस्तों, कैसे? आज आपको मैं YouTube फुल मोनेटाइज के बारे में जानकारी दूंगा, तो आप वीडियो पे बने रहें। वीडियो को बढ़ाना घटाना नहीं, आप वीडियो को गौर से देखें। हाँ, अगर मुझसे कोई गलती होती है वो आप कमेंट में बता देना। अगर आपको कुछ डाउट है, ठीक है, मोनेटाइज के बारे में, वो कमेंट में पूछ लेना। नहीं तो बायो में मेरा लिंक होगा इंस्टाग्राम का, आप लिंक पे जाके मुझे मैसेज करना, मैं आपको ऐसे समझा दूंगा। आपको जो भी प्रॉब्लम होगा, जो भी दिक्कत होगा, मैं पर्सनली आपको समझाऊंगा। ऐसे बड़े बड़े यूट्यूबर हैं, मनोज डे है और भी हैं, आपको ऐसे नहीं समझाएंगे जैसा मैं आपको पर्सनली इन बुक्स में समझा दूंगा। ओके, तो अब बढ़ते हैं हम अपनी आगे वीडियो की ओर। तो देखते हैं कि फुल मोनेटाइज वीडियो कैसे होता है। और एक खास बात, वीडियो को स्किप मत करना, एक गलती चैनल आपका बंद हो जाएगा। सिर्फ एक गलती आपका चैनल बंद हो जाएगा, तो इसलिए आप वीडियो पे बने रहें। और वीडियो तो हम आ जाते हैं मोबाइल स्क्रीन पे। तो देखो, जैसे मतलब मैं कर रहा हूँ, स्क्रीन आपके सामने शो कर रही होगी, जैसे मैं मोनेटाइज अप्लाई करने के लिए कर रहा हूँ, आप लोग ही ऐसे बिल्कुल करें, ठीक है? पूरी वीडियो स्किप मत करना, आप वीडियो देखते जाएं। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। मैं इधर कर रहा हूँ, आप देखो। और जरूरी बात है, आप अपना आधार कार्ड लेके रखना। और मोनेटाइज पे जैसे करना, जैसे मेरा नाम है शाहरुख खान, ठीक है, मेरे आधार कार्ड में भी शाहरुख खान ही है। तो ये ध्यान रखना कि जिस नाम से आपका चैनल है, कोशिश ये रखना उसी नाम का आधार कार्ड हो, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। नहीं तो कभी कभी ऐसा होता है कि एडसन जो होता है, एडसन अकाउंट होता है आपका, वो फेल हो जाता है जब नाम मैच नहीं करता है, तो एडसन अकाउंट यूट्यूब की तरफ से फेल हो जाता है, फिर आपको दोबारा रिप्लाई करना पड़ेगा। तो इससे अच्छा आप जिसका भी कर रहे हैं, अगर अपना कर रहे हैं तो अपना आधार कार्ड लेके बैठो, या किसी और का कर रहे हैं तो उनका आधार कार्ड लेके बैठो, जिसका भी कर रहे हैं आप उनका आधार कार्ड लेके बैठो, ठीक है? आधार कार्ड पे जो एड्रेस होगा सेम एड्रेस डालना है, सेम नाम डालना है, कुछ चेंज नहीं करना है। ओके, चलो करते हैं। फुल मोनेटाइज कैसे हो क्या गया बोल है, रहे, मुझे बताइए केक से कौन सा ठीक है? फ्लेवर लेना है? तो अब 24 घंटे बाद एक ही मिलाएगा या 12 घंटे बाद ही मिलाएगा, चॉकलेट कितना तो अब हम 24-12 घंटे बाद देखते हैं क्या रिस्पॉन्स परफेक्ट? आता है। प्रोग्राम में हमें एक्सेप्ट किया गया है या नहीं एक्सेप्ट किया गया है, वो 12 घंटे बाद ही पता लगेगा। तो ओके, आप 12